नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में पहली खबर आजमगढ़ से है, जहां 25 मई को वोटिंग के दौरान अफवाह फैलाने वालों पर मुकदमा हुआ दर्ज। आगे बात करेंगे भोपाल की, जहां पति पत्नी के विवाद में बदमाशों ने युवक पर किया जानलेवा हमला। साथ ही आगे चर्चा होगी गिरिडीह की, जहाँ धनवार में गाँव जाने के रास्ता काटने पर उलझे दो गाँव के लोग। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। आजमगढ़ जिले में लोकसभा चुनाव 2024 25 मई के दिन वोटिंग के दौरान अमुड़ी गांव में एक व्यक्ति द्वारा अफवाह फैलाई गई कि बटन साइकिल की दवाई जा रही है और पर्ची कमल के फूल की निकल रही है। और अफवाह पर क्षेत्रीय विधायक अखिलेश यादव भी मौके पर पहुंच गए और मौके पर जिले के चुनाव अधिकारी पहुंचकर जांच पड़ताल किए तो पाया कि साइकिल की बटन दबाने पर ही साइकिल को ही वोट जा रहा है और साइकिल की पर्ची निकल रही है। इस अफवाह को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने पुलिस अधीक्षक सिटी शैलेन्द्र लाल को आदेशित किया कि अफवाह फैलाने वालों पर मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही करें, जिसका खुलासा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक नगर शैलेन्द्र लाल ने स्वयं की। शाम 5:45 पर प्राथमिक विद्यालय अमोड़ी पर अरविंद नाम के एजेंट के द्वारा यह आरोप लगाए गए कि बटन साइकिल का दबाया जा रहा है, वह वीवीपैट के द्वारा पर्ची जो निकल रही है वो कमल के फूल की निकल रही है। इस पर इसके द्वारा कार्य बाधित किया गया और विधायक अखिलेश यादव मुबारकपुर के विधायक को वहाँ बुला लिए गए, जिसके उपरांत एआरओ महोदय को बुलाया गया। वहाँ पर टेस्टिंग की प्रक्रिया चालू हुई। टेस्टिंग के दौरान साइकिल की पर्ची दबाई गई तो साइकिल का ही वीवीपैट के द्वारा प्रिंटआउट निकला। इसके उपरांत इन लोगों के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 211/24 अंतर्गत IPC 171F 177 120B व रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 128 धारा के अंतर्गत मुकदमा कायम किया गया है अरविंद यादव व अखिलेश यादव विधायक मुबारकपुर के खिलाफ। शीघ्र ही साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। खबर भोपाल से, जहां पति पत्नी के विवाद में बदमाशों ने युवक पर किया जानलेवा हमला। हनुमानगंज इलाके में स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप बदमाशों ने युवक को घेर कर चाकू डंडों से पीटा। बदमाश ने समझौते के लिए बुलाकर किया हमला। सोमवार देर रात की घटना बताई जा रही है। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। हनुमानगंज थाना क्षेत्र बना गुंडों बदमाशों का अड्डा। पुलिस का नहीं है कोई भी डर, आखिर पुलिस क्यों है शांत? हनुमानगंज पुलिस को नहीं है अपराधों पर ध्यान। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता राकेश दीवानिया की रिपोर्ट। खबर धौलपुर से, जहां आसमान से बरस रही आग के साथ भीषण गर्मी का दौर जारी है। तापमान पहुंचा 48.6 डिग्री, असहनीय हो रहा है सूर्यदेव का प्रहार। भीषण गर्मी में आदमी ही नहीं पशु पक्षी सहित सभी का बुरा हाल है। हर कोई गर्मी से बचने के लिए उपाय ढूंढ रहा है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। आसमान में उड़ने वाले पक्षी भी इस भीषण गर्मी में आसमान की सैर न कर छांव व पानी की तलाश कर रहे हैं। धौलपुर जिले में गर्मी के तेवरों में कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। सुबह से ही आसमान से आग बरसती हुई नजर आ रही है। वहीं सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा है। जिले में पड़ रही इस भीषण गर्मी के चलते कूलर पंखे व AC तक हांफते नजर आ रहे हैं। तेज गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। घरों व दफ्तरों में लोग पसीना पसीना हो रहे हैं। मई के महीने में ही गर्मी ने प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मंगलवार को पारा पहुंचा 48.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 31.8 डिग्री दर्ज किया गया, जो पिछले साल की अपेक्षा 3 डिग्री अधिक है। धौलपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह के खोरी मऊआ से, जहां वर्षों पुराने गांव की आम रास्ते को निजी जमीन बता खेत में मिलाने से दो गांव के दर्जनों लोग आमने सामने हो गए। पहले कहा सुनी हुई, फिर मारपीट पर उतर आए। दोनों पक्षों ने जमकर एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी भी की। घटना में 6 महिला समेत दोनों पक्षों से 10 लोग घायल हो गए। आश्चर्य की बात तो यह है कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट तब हुई जब धनवार पुलिस लोगों को समझा बुझा रही थी। पुलिस के सामने दोनों पक्षों में मारपीट होने से क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। विदित हो कि डोमाडी भाया सिरवाएं सड़क से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर घंघरी बाद गाँव है। गाँव की कुल आबादी 500 से अधिक है। मुख्य सड़क से गांव जाने के लिए करीब 10 फीट की कच्ची सड़क है, जिस पर वर्षों गांव के लोग आवागमन कर रहे हैं। पांडेजोर के कपिल राय, शिवु राय आदि लोगों ने अपनी पैतृक जमीन बता गांव जाने की कच्ची सड़क को 10 फीट चौड़ाई में आधी सड़क JCB से काटकर खेत में मिला दिया, जिसका विरोध घंघरीबाद के लोग करने लगे। इधर धनवार थाना प्रभारी नंदू पाल ने कहा कि जानकारी मिली है
दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ये रोड से आना जाना तो नहीं करब करो हां सब गाड़ी कितना दिन से साहब कितना दिन जिंदगी बीत गेला के रोडवा के कटाव करो है रोड कौन कटा रहा है कापिल रहा तो नाम की बोलो हमर घौली ढोला देवी गए तीन दो कुर्सी पे बीत गया इसी रोड अच्छा तगर बाद कपिर रहे बोल रहे हैं बोली जमीन हमको है और हम लोग कह रहे हैं ये रोड सर्वे सब दिन के रोड है कितना दिन से आना जाना हो रहा था इधर दो दिन कुर्सी बीत गए सर क्या मैंने रोड काट दे रहे हैं हाँ रोड काट कौन काट रहा है कपिर राय क्या नाम है हमको नाम है रीना देवी और को गिरिडीह खोरी महुआ से सी न्यूज संवाददाता शहबाज आलम की रिपोर्ट। लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभागार कक्ष में मंगलवार को प्रखंड अंतर्गत चल रहे विकास योजनाओं को लेकर प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी ने संबंधित कर्मियों के साथ बैठक कर कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। बीपीओ मुजफ्फर कमाल ने प्रखंड कर्मियों के साथ प्रखंड में चल रहे विकास योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक करते हुए कहा कि आप सभी प्रखंड कर्मी समय पर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का पूर्ण ध्यान रखें, जरूरतमंद लाभुक सरकारी योजनाओं से वंचित ना रहें, लंबित पड़े कल्याणकारी योजनाओं को समय पर पूर्ण करें। बैठक में मनरेगा, अबुआ आवास योजना, 15वें वित्त योजना, पेंशन जैसी योजनाओं पर अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रखंड समन्वयक आशीष केसरी, पंचायत के पंचायत सचिव राम अवतार सिंह, सुषमा कुमारी, रीना कुमारी, महेश मुंडा, मुखिया नरेश लोहरा, नरेश उराव, सहायक अभियंता दिनेश सिंह, कनी अभियंता बाबूलाल उराव, 15वें वित्त आयोग के वकील उराव सहित कई प्रखंड कर्मी मौजूद रहे। बालूमाज से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद बरखेड़ी चौराहे पर खुलेआम अतिक्रमण और गुमटी माफिया सक्रिय हैं, लेकिन शासन प्रशासन और अतिक्रमण अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हत्तोतब हो गई जब धार्मिक जगह को भी इसकी चपेट में ले लिया गया, जहाँ पिछले 50 साल से ऑटो स्टैंड बना हुआ है, वहीं गणेश जी और दुर्गा जी का शेड भी है। गुमटी माफिया इस कदर सक्रिय है, उन्होंने इस जगह को भी नहीं छोड़ा। ऑटो स्टैंड वाले और यहाँ के रहवासी बेहद परेशान हैं। इस बारे में भोपाल की महापौर मालती राय से बात की तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस पर कार्रवाई करेंगी और इस चौराहे को अतिक्रमण से मुक्त कराएंगे। जहांगीराबाद बरखेड़ी चौराहे का आलम यह है कि शाम के 5 बजे के बाद चौराहे से निकलना भी दूभर है। दो पहिया और चार पहिया वाहन यहाँ से क्रॉस भी नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों साइड ठेले और गुमटियाँ रखी हुई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आवाजाही अवरुद्ध होती है। थाना जहांगीराबाद, यातायात पुलिस, नगर निगम इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। आखिर किसके संरक्षण में ये सब हो रहा, एक बड़ा सवालिया निशान है। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता राकेश दीवानिया की रिपोर्ट। मामला जनपद ललितपुर के कस्बा बड़ावरा का है, जहां विद्युत चेकिंग करने गए विद्युत कर्मियों पर लाइन चोरी करने वाले दबंग युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया। उक्त प्रकरण में सभी कर्मचारियों द्वारा बड़ावरा पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। वहीं अवर अभियंता एवं लाइनमैन ने बताया कि विद्युत लाइनमैन को अपने उच्च अधिकारियों के निर्देशन में एवं अवर अभियंता मनोज कुमार की मौजूदगी में कस्बा मड़ावरा के पुराने बाजार में बकाया बिल पर विद्युत संयोजन विच्छेदन का कार्य किया जा रहा था। उसी समय संदीप जैन, वीरेंद्र जैन, सौरभ जैन विद्युत चोरी कर रहे थे, जिस पर लाइनमैन ने चोरी करने से मना किया तो लोगों द्वारा गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों से पूरी टीम पर हमला कर दिया। जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए जान से मारने की धमकी दी, जिस पर विद्युत कर्मियों ने मड़ावरा पुलिस के साथ साथ विजिलेंस थाने में भी शिकायती पत्र देकर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। शिकायती पत्र पर अवर अभियंता मनोज कुमार, सोनू खटिक, नीलेश सूरज, योगेश नायक, प्रमोद रजक, दीपक पुष्पेंद्र विद्युत कर्मियों के हस्ताक्षर रहे। ललितपुर मड़ावरा से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार बैद की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज में भीषण गर्मी की वजह से सड़कों पर निकलना दूभर हो गया है। लू के थपेड़ों की धधक से यमुना नगर में पसरा सन्नाटा, पारा 47 के पार, अगले 4 दिनों तक राहत नहीं। यमुना नगर में बढ़ती गर्मी से एसी कूलर सभी फेल। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से, जहां मंगलवार को महिला समन्वय विभाग द्वारा शाजीपुर महानगर के आर्य महिला डिग्री कॉलेज में रानी अहिल्याबाई होलकर के 300वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में चित्र प्रदर्शनी और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम अध्यक्ष सीमा वाजपेयी, मुख्य अतिथि एकता अग्रवाल, मुख्य वक्ता महानगर महिला समन्वयक उज्ज्वल मिश्रा, विशिष्ट अतिथि मितु अग्रवाल रही। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर रानू दुबे के द्वारा किया गया। कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर संगीता मोहन, सह संयोजिका डॉक्टर किरण मलिक ने कार्यक्रम के अंत में सबका आभार व्यक्त किया।
आइए जानते हैं इस विषय में डॉक्टर संगीता मोहन, कार्यक्रम संयोजिका, क्या कुछ कहा। महारानी अहिल्याबाई होलकर जी का 300वां जयंती वर्ष अब शुरू होने जा रहा है और उनकी जो जन्म तिथि है वो है 1725 में 31 मई को उन्होंने औरंगाबाद जिले के एक चांदी गांव में जन्म लिया था। फिर उसके बाद जब उनका विवाह हुआ तो फिर वो मराठा साम्राज्य की बाद में महारानी बनी और उनके जीवन से हमें बहुत सारी प्रेरणाएं लेने को मिलती हैं कि आज जिस स्वतंत्र भारत में हम रह रहे हैं तो उसमें उनका योगदान भी अमर योगदान है। इसके अलावा उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए भी उस काल में भी बहुत ज़्यादा काम किया। इसके अलावा उनका योगदान दिया जाता है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने कई सारे शिक्षण संस्थान खुलवाए, धर्मशालाएँ खुलवाईं, बहुत सारे कुएँ बनवाए, प्यासों के लिए प्याऊ भी बनवाई और उसके अलावा उन्होंने अपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बहुत अधिक कार्य किए हैं और इसके अलावा महिलाओं के लिए एक उन्होंने कानून में भी बदलाव कराया था कि उस समय ये था नियम कि अगर किसी का हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उनका पूरा का पूरा राज्य अंग्रेजों के पास चला जाएगा, पर उन्होंने इस राज्य में भी बदलाव इस वाले नियम में भी बदलाव करवाया और ये एक अपनी घोषणा भी कराई कि अगर किसी के पति की रानी के पति की मृत्यु होती है तो उसकी विधवा पे उसका हक रहेगा, चाहे उसका बेटा हो या ना हो। वरना पहले ये था अगर राजा की मृत्यु हुई और बेटा नहीं है तो फिर वो सारा का सारा राज्य और संपत्ति अंग्रेजों के अधीन हो जाती थी। तो इसलिए भी उनका योगदान हम लोग अमर योगदान मानते हैं और आने वाली पीढ़ियों में भी हम बच्चियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि उस ज़माने में भी जब उन्होंने इतना सब कुछ करके दिखाया तो अब हम क्या किसी से कम हैं, अब तो इतनी ज़्यादा सुविधाएं हैं, तो अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करके समाज में हम लोग जोड़ें और मुख्य धारा में रहकर अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए अच्छे काम करें। शाहजहाँपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शान की रिपोर्ट। खबर सोनकक्ष से है जहां 2020 में हुए मारपीट के मामले में आज आरोपीगढ़ को धारा 325 में दोषी पाते हुए 6-6 माह का कारावास एवं 3,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। सोनकक्ष से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।